बरनाला शहर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके गीता भवन कमेटी ते बरनाला शहर के लोगों वालों शोभा यात्रा कड़ी गई। इस मौके पत्रकारों नाल गलबात करदिया गीता भवन कमेटी के प्रधान बसंत गोयल ने कहा कि गीता भवन कमेटी पिछले 60 सालों तो लगातार शहर वासियों के सहयोग नाल जन्माष्टमी का त्यौहार मनाती आ रही है ते इस साल भी जन्माष्टमी का त्यौहार बड़ी धूमधाम नाल मनाया जाएगा। दस दईए भलके जन्माष्टमी का त्यौहार है ते तैयारियां शुरू हो गई ने वक-वक थावां ते ते बरनाला दीआं तस्वीरां असीं तुहानूं विखा रहे हां जिथे झाकियां कढ़ियां जा रही ने वक-वक तरह दीआं झाकियां कढ़ियां गईआं ते ये तुसीं वेख सकदे हो ते वड्डी गिणती विच लोग भी इत्थे शामिल होए ने ते किस तरह ये सजावट कीती गई है मंदरां दी ये भी तुसीं वेख सकदे हो। बरनाला विच श्री कृष्ण जन्माष्टमी ते सजावट कीती गई है ते शोभा यात्रा कढ़ी गई अज्ज श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर विशाल शोभा यात्रा कड़ी गई। यह शोभा यात्रा पुरानी दाणा मंडी मौनी बाबा मंदिर तो शुरू हुई ते दाणा मंडी गांधी चौक गौशाला नाइयांवाला चौक सराई रोड रेलवे रोड से होकर संपन्न हुई। इस शोभा यात्रा में झांकियां कड़ियां गई कीर्तन किया गया थां थां ते लंगर भी लगाए गए हैं। फगवाड़ा दी तस्वीर तुम देख रहे हो जिथे कृष्ण जन्माष्टमी के मौके झांकियां कड़ियां गई ये शोभा यात्रा कड़ी गई जिस विच झाकियां भी नजर आई। श्री कृष्ण तो जुड़े हुए हर एक किरदार इत्थे नजर आए ते झाकियां कढ़ी गई। मौनी बाबा मंदिर तो इस यात्रा की शुरुआत हुई। फिलहाल इस बुलेटिन च इन्ना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। वेखदे रहो इंडिया न्यूज़ पंजाब।